हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बनाएंगे बेसन का हलवा। और आटे का हलवा तो आपने बहुत खाया होगा, सूजी का हलवा भी आपने बहुत खाया होगा, लेकिन ये बेसन का हलवा बहुत हेल्दी होता है। बेसन तो वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो बेसन को हमें किसी भी रूप में खाना चाहिए। तो वीकेंड्स में अगर आपको कुछ नई चीज़ बनानी है तो बनाइए बेसन का हलवा। और ये हलवा एवरग्रीन है, और आप जब भी खाएंगे आप इससे बोर नहीं होंगे, ये बहुत अच्छा लगता है। और इसे बना करके आप 3-4 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हम इसे देसी घी में बना रहे हैं। तो आप अगर इसे बना करके फ्रिज में रख देंगे तो 3-4 दिन तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में भी इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया मैंने। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच देसी घी ले लिया, और उसी चम्मच की मदद से मैंने बारी बारी से 3 चम्मच बेसन इसके अंदर डाल दिया। तो ये परफेक्ट मेजर के साथ मैं आपको बेसन का हलवा बनाना बता रही हूँ। जब आप इस परफेक्ट मेजर के साथ हलवा बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो पहली बार में परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल दिया, उसी चम्मच से नाप करके 3 चम्मच बेसन डाल दिया, और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। और जब तक कि इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह से होना चाहिए। तो जब भी आप कोई भी हलवा बनाएं, चाहे सूजी का, बेसन का या आटे का, तो घी और जो आप जिसका भी हलवा बनाना चाहें, आटे का, सूजी का या बेसन का, तो घी और आटे की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप रेशो सेट करेंगे तो आपका कोई भी हलवा परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो भी आटा हम डालें उसे इस तरह से मूव होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हलवा बनाने की बेसिक जो चीज़ है वो यही है कि इस तरह से आप सबसे पहले आटे को इसके अंदर पका लें। यहाँ पर मैंने बेसन का हलवा बनाया है, तो मैंने 3 चम्मच बेसन इसके अंदर डाला है। और आप भी इस तरह से अगर परफेक्ट मेजर से बनाना चाहते हैं तो अपने घर से ही कोई चीज़ को सेट कर लीजिए, और उसी से नापते हुए सारी चीज़ें आप डालते जाएंगे, तो जो हलवा है वो परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जब मैं इसको मूव कर रही हूँ, बड़े आसानी से मूव हो रहा है, तो ये रेशो परफेक्ट है घी और बेसन का। जब आप इस तरह से रेशो रखेंगे तो जो हलवा हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और इसे हाई फ्लेम पर ना पकाएं, इसे मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकाएं, जिससे कि इसमें महक आने लगेगी। अगर हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो ये जल जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे लगभग 7-8 मिनट तक पका लेना है, जिससे कि इसका जो बेसन का कलर है ब्राउन हो जाए, अच्छा सा डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर बेसन का जो है गोल्डन कलर हो गया, और इसमें से बहुत अच्छी महक भी आने लगी। तो अब मैंने यहाँ पर उसी चम्मच की मदद से नाप करके 6 चम्मच पानी इसके अंदर डाल दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बेसन का हलवा बनाना है तो इस तरह से आप एक कटोरी सेट कर लीजिए, और उसी कटोरी से नापते हुए आप सभी चीज़ें डालेंगे, या कोई चम्मच सेट कर लीजिए, कोई बड़ा सा चम्मच हो उसे सेट कर लीजिए, और उससे नाप करके आप चीज़ें डालेंगे, तो ये परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और अब यहाँ पर मैंने 2 छोटी इलायची को इसके अंदर डाल दिया है, जिससे कि इसमें फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पर पानी लगभग सूखने लगा है, तो इस स्टेज पर हम चीनी डालेंगे। तो उसी बड़े चम्मच की मदद से मैं 2 चम्मच इसके अंदर चीनी डाल दूंगी, और फ्लेम को यहाँ पर मैं लो कर दूंगी, नहीं तो जो हलवा है वो नीचे से जलने लगेगा। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच भर के चीनी डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर
आप परफेक्ट मेजर के साथ बनाएंगे तो जो बेसन का हलवा है बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं उसी चम्मच की मदद से 2 चम्मच भर के चीनी डाल रही हूँ और मीडियम फ्लेम कर दूंगी और उसके बाद इसे अच्छे से पका लूंगी। जब साइडों से हमें ऑयल नज़र आने लगेगा तब तक हमें इसे पकाना है। अब चीनी डालने के बाद भी लगभग 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और जब ये साइड छोड़ने लगेगा तभी हमारा हलवा तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको लगे कि साइड छोड़ने लगा है और साइडों से थोड़ा थोड़ा ऑयल नज़र आने लगा है तभी आप फ्लेम को ऑफ करिएगा। अगर आपने फ्लेम को पहले ऑफ कर दिया तो जो हलवा है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसे लगातार हमें चलाते रहना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे हलवे ने साइडें छोड़ दी हैं और चीनी अच्छे से हलवे में घुल मिल गई है और ये कितना शाइनी टेक्सचर इसमें दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, जिस मेजर से मैंने आपको बताया है उस मेजर से आप इसे बनाएंगे तो इसी तरह से इसका शाइनी टेक्सचर आएगा और बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और अब अगर आप इसमें चाहें तो अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन बेसन का हलवा अपने आप में ही हैवी होता है तो इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट हम नहीं डालेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसे चम्मच में लेके गिरा रही हूँ कितना स्मूथ ये नीचे गिर रहा है। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और हमें यहाँ पर साइडों से ऑयल भी नज़र आ रहा है। तो साइड से हमें घी नज़र आने लगा है और ये अच्छे से मूव कर रहा है। तो इस तरह से परफेक्ट हलवा बनकर तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे और गार्निश के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम के टुकड़े डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बना करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और 4-5 दिन आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। जब कभी मीठा खाने का मन हो तो बनाइए हेल्दी चीज़। तो फ्रेंड्स, ट्राई करिए रेसिपी ट्राई करें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी आसान रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।